गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ, एल्विगो लाइफ साइकिल में। इसके पहले पढ़ाया था लिटिल ब्लाइट ऑफ पोटैटो का लाइफ साइकिल फाइटोप्लांक्टन के स्टांस पढ़ाया था, उसके बाद फिर कल डिजीज को पढ़ाया था, आज आपका एल्विगो का निरा पढ़ाऊंगा। तो एल्विगो जो आपको पढ़ना है आज का बहुत महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एल्विगो। एल्विगो कैंडिडा भी कहते हैं इसको, सिस्टोपस कैंडिडा के भी नाम से जानते हैं। सिस्टोपस कैंडिडा इसलिए कहते हैं कि सिस्टोपस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा एल्विगो पे रिसर्च किया था, तो उसका उपनाम ही पड़ गया सिस्टोपस कैंडिडा। इसमें आपको फर्स्ट पढ़ने क्या है कि सिस्टमेटिक पोजिशन। सिस्टमेटिक पोजिशन में किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगो माइकोटिना, क्लास होमाइसिटीज, ऑर्डर पेरनोस्पोरल, फैमिली एल्बुजिनेसी, जीनस एल्विगो आर सिस्टोपस एंड स्पेसीज कैंडिडा। एल्विगो कैंडिडा आर सिस्टोपस कैंडिडा। देखिए जो एल्विगो की फैमिली है वो मिलान करती है फैमिली एल्बुजिनेसी फैमिली से। एल्बुजिनेसी फैमिली में सिर्फ ओनली वन जीनस आपको पढ़ने हैं जिसका नाम है एल्विगो। इसके पहले आपको पिथियसी फैमिली में दो जीनस पढ़ने हैं जिसमें फाइटोप्लांक्टन पढ़ा दिया गया है, पिथियम नेक्स्ट टर्म में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जरा इस पे आ जाइए, देखिए एल्विगो एल्बिजिनेसी फैमिली में सिर्फ ओनली आपको एक पढ़ने हैं जिसको जिसका नाम है कैंडिडा। अब ये फंगस किसके ऊपर आता है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, या इसी को हम अकरेंस कहते हैं या होस्ट प्लांट के भी नाम से जानते हैं। तो होस्ट प्लांट जो है जिसके ऊपर डिजीज इन्फेक्शन होता है, ये मस्टर्ड, राई, रेडिश, कैरेट, बहुत सारे क्रॉप के ऊपर आता है। ये पैचेस इसके बनते हैं, लोअर सरफेस में मैक्सिमम बनते हैं, जैसे ताज़ा क्रीम रख दिया गया हो उसको पैचेस कहते हैं, जो सिम्टम लोअर सरफेस से बनते हैं। और इसकी स्पेसीज कम से कम पूरे देश में 23 या 25 के आसपास में इसकी स्पेसीज पाई जाती है, जिसमें कैंडिडा आपके ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजीज पाया जाता है इसी के नाम से। सरसों मस्टर्ड में सबसे ज़्यादा डिजीज काज करता है। तो होस्ट प्लांट में आप देख सकते हैं मस्टर्ड, राई, रेडिस, ब्रिस्का स्पेसीज, ब्रिस्का जेनसिया, या बहुत सारे क्रॉप हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब होस्ट प्लांट के बाद आपको लिखने हैं माइसीलिया। तो आप जानते ही होंगे कि सब डिवीजन मेस्टिगो माइकोटिना फंगस है, तो मेस्टिगो माइकोटिना कैरेक्टर कहता है कि माइसीलियम कैसे होंगे, नॉन सेप्टेड होंगे। माइसीलियम नॉन सेप्टेड होंगे, फिर ब्रांचेज होगा, सिनोसिटिक होगा, इंटरसेलुलर हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर हो सकते हैं, एंड हिस्टोरिया आर प्रोड्यूस्ड क्लब शेप हिस्टोरिया आर फॉर्मेड। इसमें जो हिस्टोरिया बनता है वो क्लब शेप हिस्टोरिया बनते हैं। एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाई ग्लाइकोजन एंड आयल विथ हिस्टोरिया, हिस्टोरिया के द्वारा ही अपना भोजन लेते हैं, ग्लाइकोजन एंड आयल के रूप में लेते हैं। सो आपको माइसिलियम के बारे में लिखना है। माइसिलियम को मैंने एक डिफिनेशन बताया था कि ए ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसिलियम, और हाइफा के अगर डिफिनेशन पूछे थे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफा। सो माइसिलियम हाइफा से ही मिलकर माइसिलियम बनता है। माइसिलियम से कैसे होंगे, नॉन सेपरेट होंगे, ब्रांचेज होंगे, ब्रांचेज होगा सिनोसिटिक भी कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड सिनोसिटिक, इंटरसेलुलर एंड आर इंट्रासेलुलर, क्लब सेप हिस्टोरिया आर फॉर्मेड, और हिस्टोरिया से ही भोजन एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। नेक्स्ट अब इसमें आपको लिखना है रिप्रोडक्शन। देखिए कोई भी फंगस होगा जो सब डिवीजन मेस्टिगो माइकोटिना का है, एस्को माइकोटिना का, वेसिडियो माइकोटिना, सब मैक्सिमम ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। कहीं कहीं आप स्टेटिक रिप्रोडक्शन भी पढ़ते हैं, वे तीन तरह के होते हैं, लेकिन आप सिर्फ दो रिप्रोडक्शन पढ़ती है पढ़िए, उसी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेटिक रिप्रोडक्शन आ जाता है। तो टू टाइप्स रिप्रोडक्शन आर प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा क्या है सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो टू टाइप रिप्रोडक्शन आर प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग डालिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिगर बनाया है, लाइफ साइकिल जो शुरू होती है यहाँ शुरू होती है इसकी हाइफा से। तो हाइफा के बारे में पहले आपको लिखना है कि हाइफा लिखेंगे नॉन सेप्टेड, ब्रांचेज प्रोफिली ब्रांचेज, और सिनोसिटिक, इंटरसेलुलर आर इंट्रासेलुलर।
After some time, hypha are produced and club shape hysteria are formed. Club shape स्पोरेंजियोफोर are formed. ये स्पोरेंजियोफोर बनाते हैं, जो स्पोरेंजियोफोर बना है इसके ऊपर हम क्या बोलते हैं, क्लब शेप स्पोरेंजियोफोर आर फॉर्मेड. स्पोरेंजिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर. स्पोरेंजिया कहाँ बनता है, इसी स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनता है. इसको आप लिख सकते हैं कि स्पोरेंजियम आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर. अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लिखना कि स्पोरेंजिया आर अरेंजमेंट इन बेसिपिटल चेन. बेसिपिटल चेन में क्या है, देखिए बेसिपिटल चेन हमने यहाँ फिगर बनाया है. बेसिपिटल चेन में ओल्डेस्ट कोंडिया एट द टिप एंड यंगेस्ट कोंडिया एट द बेस, इट इज कॉल्ड बेसिपिटल चेन. जो सबसे पुरानी कोंडिया होगी वो सबसे ऊपर होगी और जो सबसे छोटी कोंडिया होगी वो सबसे नीचे होगी. देख रहे अनुसार छोटा है इससे बड़ा, इससे बड़ा इससे ऊपर भी बड़े होते चले जाते हैं. इसी को हम सजेशन को हम बोलते हैं बेसिपिटल चेन. तो अब बेसिपिटल चेन का डिफिनेशन बताया कि ओल्डेस्ट कोंडिया एट द टिप एंड यंगेस्ट कोंडिया एट द बेस, इट इज कॉल्ड बेसिपिटल चेन. बोथ कोंडिया आर जॉइंटेड बाई जिलेटनस डिस आर डिसजेंटर. दो स्पोरेंजिया जो आपस में जुड़ी होती है उसमें जिलेटनस डिस के द्वारा जुड़ी होती है, जिसको हम डिसजेंटर भी नाम से जानते हैं. देखिए कई किताबों में आप इसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, कहीं कहीं कोंडियोफोर बोलते हैं. आपको एक डिफरेंस बताते हैं कि स्पोरेंजियम कब कहते हैं और कोंडियम कब कहते हैं. अगर यही स्पोरेंजिया डायरेक्ट जर्मेट कर जाए और एक न्यू हाइफा बना ले तब वहां से हम कोंडिया के नाम से पुकारते हैं, कोंडिया कोंडियोफोर हो जाएगा. फिर अगर इस स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं तब हम इसको स्पोरेंजियम बताएंगे और उसके बाद स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनेगी. टेम्परेचर अगर हाई होने पे एक डायरेक्ट कभी जर्मिनेट कर जाती है तो उसको कोंडिया के नाम से जाना था, इसलिए कुछ किताबों में कोंडियोफोर के भी नाम से जानते हैं. फिलहाल आप स्पोरेंजियोफोर के नाम से ही जाने. ये क्लब से स्पोरेंजियोफोर आर फॉर्मेड, स्पोरेंजिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर. स्पोरेंजिया आर अरेंज इन बेसिपिटल चेन. टू स्पोरेंजिया ज्वाइंट बाय जिलेटिनस डिस आर डिसजेंटर. मैच्योर स्पोरेंजिया आर ड्रॉप इन द अर्ली मॉर्निंग. इच स्पोरेंजिया इज ए स्फेरिकल शेप. मैच्योर स्पोरेंजिया ब्रेक एंड जू स्पोर आर लिबरेटेड. इच स्पोरेंजियम प्रोड्यूस्ड ए सिक्स मैक्सिमम सिक्स जू स्पोर. मैक्सिमम सिक्स जू स्पोर आर फॉर्मेड. अब जू स्पोर स्पोरेंजियम ब्रस्ट एंड जू स्पोर आर लिबरेटेड. इच जू स्पोर किडनी शेप बाई फ्लैजलेट फ्लैजिला टिंसल एंड हिपलेस टाइप अटैचमेंट ऑफ फ्लैजिला लेटरल साइड. दिस टाइप स्पोरेंजिया आर किडनी शेप आर बीन शेप. इसको एक टर्म इसको लिखा जाता है रेनी फॉर्म भी लिख देंगे तो आप मान लेता है कि सारा स्ट्रक्चर के अंदर समाहित है. आफ्टर सम टाइम किडनी शेप स्पोरेंजिया आर कन्वर्टेड इनटू इंसेस्टेड जू स्पोर बिकॉज इंसेस्टेड जू स्पोर सर्वाइविंग लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड इन दिस एनवायरमेंट. इंसेस्टेड जू स्पोर आर स्फेरिकल इन शेप रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन. इच इंसेस्टेड जू स्पोर जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा. आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि हाइफा बनेगा, हाइफा से स्पोरेंजियोफोर का निर्माण होगा, उसी के ऊपर स्पोरेंजियोफोर क्लब से बनेंगे, फिर उसके ऊपर स्पोरेंजियम बनेगा, स्पोरेंजियम बेसिपिटल चेन में अरेंज होगा, सबसे बड़ी कोंडी स्पोरेंजिया ऊपर होगी, छोटी नीचे होगी, मैच्योर स्पोरेंजिया हो जाती है तो ड्रॉप कर जाती है, टूट जाएगी, फिर इसी स्पोरेंजियम के अंदर छेद तक जू स्पोर बनते हैं, जू स्पोर किडनी शेप होते हैं, बाई फ्लैट होते हैं, टिंसल हिपलेस टाइप हो सकता है, फिर यही किडनी शेप जू स्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं इंसेस्टेड जू स्पोर में लंबे समय तक लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड इन दिस एनवायरमेंट. लंबे समय तक इस वातावरण में पड़े रहते हैं,
आप रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब मौसम उनके अनुकूल जाएगा तो फिर जनरेट करते हैं और एक न्यू आईफा तैयार करते हैं, यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। देखिए हमने फिगर बनाया है, यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग फोर बन रहा है, इसी के ऊपर स्प्रिंग फोर कंप इतना बड़ा क्लब से बना है, इसी के ऊपर स्प्रिंग फिगर बनाया है, फिर ऊपर स्प्रिंग टूट गई है, फिर इसी के अंदर जूस को बाहर निकलना है, फिर एंसेस्ट्रेट जूस फॉर्म कट आउट हो गए, फिर जर्मेट किए हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहीं से शुरू करना, हाइफा से शुरू करना आपको। आप लिखेंगे कि हाइफा, जनरली हाइफा ये सेप्टेड होते हैं। अब स्पीसीज आप लिखे, अब इसके बाद लिखेंगे जनरली स्पीसीज आर होमोथैलिक एंड फ्यू हेट्रोथैलिक, एंड होमोथैलिक स्पीसीज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर डेवलप ऑन द सेम हाइफा, इट इज कॉल्ड होमोथैलिक। इफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर डेवलप ऑन द डिफरेंट हाइफा सो इट इज कॉल्ड हेट्रोथैलिक, राइट। तो जनरली स्पीसीज आर होमोथैलिक आर हेट्रोथैलिक, मेल ऑर्गन आर कॉल्ड ओगोनियम, ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सो आर फॉर्मेड इन ओगोनियम, एंड मेल न्यूक्लियस आर फॉर्मेड इन एंथ्रोडियम। मेल न्यूक्लियस इज ए क्लब शेप एंड फीमेल न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल, बोथ न्यूक्लियस डेवलप इन पैरेलल एंड कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। At the contact point, wall dissolve and formation of fertilization tube. By fertilization tube, male nucleus migrate in oogonium. Both nucleus fuse in oogonium. Plasmogamy, karyogamy, followed by meiosis, produce a many oospore. Each oospore, after some time, oospore mature, then ओगोनियम वॉल ब्रस्ट एंड ओस्पोर आर लिबरेटेड। ओस्पोर इज ए स्फेरिकल मल्टी न्यूक्लिएट एंड सर्वाइव ए लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड इन दिस एनवायरनमेंट, रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन आर ओर नेक्स्ट ईयर। इच ओस्पोर जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा, और फिर एक नया हाइफा का निर्माण करते हैं। तो एक बार फिर इसको हिंदी में देख लीजिए, ये हाइफा डेवलप करेगा, हाइफा से एक स्ट्रक्चर मेल का बनेगा, एक स्ट्रक्चर फीमेल का बनेगा। जो मेल बनेगा उसको हम एंथ्रोडियम नाम से पुकारते हैं, जो फीमेल बनेगा उसको हम ओगोनियम कहते हैं। दोनों पैरेलल डेवलप करते हैं और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, पैरागाइनस टाइप रिप्रोडक्शन आर प्रोड्यूस्ड ये पैरागाइनस टाइप, क्योंकि दोनों पैरेलल एक साथ डेवलप करते हैं और आपस में कहीं ना कहीं कंटेक्ट करेंगे। जिस स्थान पर कंटेक्ट करेंगे वहां की सेवाल डिजॉल्व कर जाएगी और फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होगा। उसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के सहारे मेल न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है ओगोनियम में। देखिए जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है वो हमेशा मेल ऑर्गन में होता है और फीमेल को पेनिट्रेट करता है, और जो ट्यूब होता है उसी के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी ट्यूब के सहारे न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है ओगोनियम में, दोनों न्यूक्लियस मेल और फीमेल फ्यूज कर जाते हैं ओगोनियम के अंदर, जिसको हम स्फीयर के भी नाम से जानते हैं। वो स्फीयर बाद में फिर वो स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो स्पोर जब मैच्योर कंडीशन में होगा तो वो ओगोनियम वॉल फट जाएगी, फिर वो स्पोर बाहर निकल जाते हैं, फिर जर्मिनेट करते हैं नेक्स्ट ईयर में आने पे, और फिर एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं। यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल, कभी मेल बनती है कभी फीमेल बनती है, यही कंटिन्यूस लाइफ साइकिल बनती रहती है। इसमें ये आपको ध्यान देना है कि अगर लाइफ साइकिल आप लिख रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है सबसे बड़ी स्पोरेंजिया होगी सबसे ऊपर होगी और सबसे छोटी होगी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेसिकल चेन बोलते हैं कि ओल्डेस्ट स्पोरेंजिया एट द टिप एंड यंगेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देना है। और सारा चीज वैसे होगा, मेल फीमेल बनेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, उसी में एसेक्सुअल भी होता है सेक्सुअल भी होता है। आपको ये ध्यान देना है इसमें अगर फैमिली लिखनी है तो फैमिली एल्बुजिनेसी लिखना है, होस्ट प्लांट में मस्टर्ड भी लिख दीजिएगा, मस्टर्ड भी मैक्सिमम काज करता है, उसकी डिफरेंट स्पीसीज है उस पर काज करता है। तो ये आपका एल्बिगो कैंडिडा, जिसको हम सिस्टोपस कैंडिडा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, राइट। और कोई क्वेश्चन होगा तो हमें बताइएगा, हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन से एल्बिगो से पूछा जाता है। अब इसका डिजिट पोर्शन नेक्स्ट टर्म बताएंगे। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके।